तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि डिप्टी कलेक्टर कैसे बने। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी, तो आइए आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। आपको आपकी पढ़ाई से लेकर डिप्टी कलेक्टर बनने तक का पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। तो आए दोस्तों, एक एक करके जानते हैं कि आप डिप्टी कलेक्टर कैसे बन सकते हैं। आपको आपकी पढ़ाई से लेकर डिप्टी कलेक्टर बनने तक का पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। तो हम दोस्तों, आपको आपकी पढ़ाई में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या कोर्स करने चाहिए या आपकी क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, यही सब जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, अगर बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप करके ना देखें। अगर आप वीडियो स्किप करके देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा और आप बहुत सारे पॉइंट को मिस कर देंगे। तो दोस्तों, चलते हैं हम आपको लेकर अपनी वीडियो की तरफ। तो आइए दोस्तों, डिप्टी कलेक्टर कैसे बने, योग्यता, एग्ज़ाम सैलरी क्या है, डिप्टी कलेक्टर कैसे बने, इस पोस्ट के द्वारा आपको डिप्टी कलेक्टर क्या है, डिप्टी कलेक्टर कैसे बन सकते हैं के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहे हैं और डिप्टी कलेक्टर से जुड़ी हुई जानकारी और भिन्न भिन्न सवालों के जवाब आज इस पोस्ट पर आपको मिल जाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि डिप्टी कलेक्टर कैसे बनते हैं तो हमारे इस पोस्ट को पूरा शुरू होने से लेकर तक जरूर पढ़ें, जिससे कि आपको डिप्टी कलेक्टर के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों, हम आपको लेकर चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, हम आपको इसमें पूरी जानकारी देने जा रहे हैं कि आप डिप्टी कलेक्टर कैसे बन सकते हैं और डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए आपकी क्या योग्यताएँ होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आइए दोस्तों, कलेक्टर के बारे में तो सभी जानते होंगे, लेकिन डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट क्या होती है, हम डिप्टी कलेक्टर कैसे बन सकते हैं, यह नहीं जानते हैं। आइए इस वीडियो के द्वारा हम जानते हैं कि डिप्टी कलेक्टर के बारे में लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे डिप्टी कलेक्टर के लिए क्वालिफिकेशन, डिप्टी कलेक्टर का क्या काम होता है, डिप्टी कलेक्टर की सैलरी, CG में डिप्टी कलेक्टर कैसे बने, डिप्टी कलेक्टर पावर्स, डिप्टी कलेक्टर के सिलेबस और डिप्टी कलेक्टर फैक्टलिस्ट। तो इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे। जैसे कि जानते हैं कि कलेक्टर किसी ज़िले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, यानी कि प्रशासनिक पोस्ट में देखें तो कलेक्टर एक बहुत ही बड़ा पोस्ट होती है। कलेक्टर अपने ज़िले का मुखिया होता है, कहें तो उस ज़िले का मालिक होता है, मुख्य नागरिक होता है। ज़िले का हर कार्य और हर विभाग कलेक्टर के अधीन होता है। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं आगे की जानकारी की तरफ। हमारी वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। तो आइए चलिए दोस्तों, ज़िले के हर छोटे बड़े कार्यों को करने का जिम्मेदारी, हर एक छोटे बड़े फैसले की जिम्मेदारी कलेक्टर की होती है। जैसे आपदा प्रबंधन, सरकारी योजना, हर कोई विभाग की जानकारी, कर्ज वसूली, भूमि अधिग्रहण, मूल्यांकन, लोगों की समस्या, सभी को स्तर बनाए रखना जिले के कलेक्टर का काम होता है। ऐसे ही पोस्ट डिप्टी कलेक्टर की भी होती है। डिप्टी कलेक्टर क्या है? एक डिप्टी कलेक्टर, जिसे शॉर्टकट में DCB कहते हैं, और यह प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। डिप्टी कलेक्टर कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में होता है, इसलिए इस पोस्ट को उप डिविजनल मजिस्ट्रेट कहा जा सकता है और डिप्टी कलेक्टर के निर्देशन के कार्य करता है और कलेक्टर को दिन प्रतिदिन उसे कार्य में सहायता प्रदान करता है। जिस तरह से जिला कलेक्टर जिला प्रशासनक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वह अपने अधिकार क्षेत्र में कानून बनाए रखने में जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करता है, जैसे कि सामाजिक सुरक्षा, भूमि के मामलों में और विभिन्न कार्यों में जिला कलेक्टर करता है। तो इन्हीं समय कार्यों में डिप्टी कलेक्टर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के रूप में उन सब कार्य को करता है। विभिन्न कार्यों को राजस्व कार्य का लेखा जोखा वह कलेक्टर की रिपोर्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं आगे की जानकारी की ओर। हमें उम्मीद है आपको हमारे दी गई हुई जानकारी पसंद आ रही होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। तो दोस्तों, चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। हमारी वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए और वीडियो को स्किप करके ना देखें। अब हम आपको लेकर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
तो आइए दोस्तों, अगर किसी उम्मीदवारों की नियुक्ति डिप्टी कलेक्टर के रूप में होती है तो वह सिर्फ किसी जिले का सब डिविजनल मजिस्ट्रेट नहीं होता है। डिप्टी कलेक्टर की पोस्टिंग विभिन्न विभागों में भी की जाती है। डिप्टी कलेक्टर को सरकार के तहत बहुत सारे विभाग में पद कलेक्शन जाता है। डिप्टी कलेक्टर की पोस्टिंग डिप्टी कलेक्टर अनुभव विभागीय अधिकारी SDM जनपद पंचायत CEO मंत्रालयों के उप सचिव मुखिया मंत्री कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री के निजी सचिव उप जिला निर्वोच अधिकारी विधानसभा चुनाव के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर लोकसभा चुनाव के दौरान सहायक निर्वोच अधिकारी डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर एक्सटिकेट कमिश्नर रेवेन्यू कमिश्नर ऑफिस प्रेसिडेंट। इस तरह से इन सभी पोस्ट में डिप्टी कलेक्टर का कार्य करने के लिए पोस्टिंग दी जाती है। DC कैसे बने, डिप्टी कलेक्टर कैसे बने। डिप्टी कलेक्टर बनना तो आसान है और ना ही कठिन है। अगर मेहनत और लगन है तो डिप्टी कलेक्टर बनना जा सकता है। डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए PSC एग्ज़ाम दिलाकर डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं। एक एग्ज़ाम दिलाने के लिए कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है। इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन को पूरा करके PSC का एग्जाम दिला जा सकता है। ऐसे डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमें उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही होगी। हमने आपको एक एक करके सभी टॉपिक समझाए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं आगे के टॉपिक की तरफ। तो आइए दोस्तों, DC बनने के लिए योग्यता क्वालिफिकेशन फॉर डिप्टी कलेक्टर जानते हैं। डिप्टी कलेक्टर की योग्यता के बारे में, डिप्टी कलेक्टर योग्यता में सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन। डिप्टी कलेक्टर क्वालिफिकेशन एजुकेशन के लिए क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। PSC का एग्ज़ाम दिलाने के लिए उम्मीदवारों को एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में स्नातक या पोस्ट ग्रेजुएशन होना किसी भी विषय पर बहुत ही आवश्यक है। अगर आप ग्रेजुएशन हैं, कोई भी विषय पर PSC के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उम्र भी देखी जाती है। इसमें डिप्टी कलेक्टर की एज कितनी होनी चाहिए। उम्मीदवारों को उम्र 21 से 40 वर्ष की होनी आवश्यक है। डिप्टी कलेक्टर के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना होता है, जैसे कि आपने अपने ऊपर कि डिप्टी कलेक्टर के लिए कौन से एग्ज़ाम देने हैं, जिसके लिए PSC UPSC का एग्ज़ाम देना होता है जो कि 3 चरणों में होता है। तो आइए दोस्तों, हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि इसमें कौन कौन से एग्ज़ाम देने होते हैं तथा इसके कितने 3 चरण कौन कौन से हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं आगे की जानकारी की तरफ। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले होती है प्रारंभिक परीक्षा। यह प्रारंभिक परीक्षा, इस पर सामान्य ज्ञान आधारित सवाल आते हैं। मेन एग्ज़ाम, प्राइमरी एग्ज़ाम के पास होने के बाद मेन एग्ज़ाम लिया जाता है जो कि एक विषय आधारित एग्ज़ाम होता है। इंटरव्यू, मेन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद अगर अच्छा रैंक आता है तो आपको परीक्षा में टॉप करते हैं, तो फिर इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाता है। और अगर आप इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तो आपको पोस्ट दिए जाते हैं। अगर आपकी रैंक डिप्टी कलेक्टर की रेंज का है तो आपको डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट दिया जाता है और आप डिप्टी कलेक्टर के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं आगे की जानकारी की तरफ। हमने आपको बहुत से टॉपिक समझा दिए हैं, अब हम आपको लेकर चलते हैं अपने आगे की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इनकी सैलरी कितनी होती है। PSC परीक्षा UPSC परीक्षा के एग्ज़ाम के बाद कैंडिडेट को ग्रैंड के हिसाब से उनका पद दिया जाता है, जैसे कि जूनियर टाइम स्केल, सीनियर टाइम स्केल, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटर सेक्शन ग्रेड, सुपर टाइम स्केल, अपेक्स स्केल, कैबिनेट सेक्रेटरी ग्रेड। इस तरह से ग्रैंड के आधार पर उनका पोस्ट की नियुक्ति की जाती है। डिप्टी कलेक्टर जूनियर टाइम स्केल के अंतर्गत आता है जो इनको पे स्केल के रूप में 15,600 से लेकर 39,100 पे स्केल मिलता है। इस और इसमें IAS अफसर का ग्रैंड पे 5,400 होता है। इस आधार पर उसे वेतन सैलरी मिलती है।
तो सामान्य रूप से देखा तो सातवें वेतन आयोग के अनुसार 55,000 रुपये से लेकर 1,50,000 रुपये तक सैलरी मिलती है। तो दोस्तों, हमें आप उम्मीद है कि आपको जो हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे द्वारा जानकारी अच्छी लगी है तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और अगर वीडियो को लेकर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेज सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।